तो हेलो दोस्तों, तेजस हियर। टेक ज्ञान के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं म्यूजिक की, तो एक वर्ड जो हम सभी के मन में आता है वो है MP3। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर ये MP3 होता क्या है, या फिर आपको ये मालूम है कि ये जल्दी रिप्लेस होने वाला है? अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और मैं आपको बताऊंगा हर वो बात MP3 के बारे में जो आप सभी को मालूम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, MP3 का फुल फॉर्म है एमपेग लेयर 3, और इसे 1993 में खोजा गया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर MP3 होता क्या है। तो दोस्तों, MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है जो यूज करता है एक लॉसी डेटा कंप्रेशन की टेक्निक को हम तक सबसे अच्छे क्वालिटी के ऑडियो को पहुंचाने के लिए। एंड यहाँ पे ये सबसे अच्छा क्वालिटी तो हमें प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ जो भी ऑडियो का एक्चुअल रॉ साइज होता है उसे भी ये करीब 10 गुना कम कर देता है। मतलब अगर एक्चुअल ऑडियो है 50 MB का, तो ये उस 50 MB के ऑडियो को कन्वर्ट कर देगा 5 MB के ऑडियो में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये यूज़ करता है लॉसी डेटा कंप्रेशन की टेक्निक को, जहाँ पे ये उन सारे फ्रीक्वेंसी को हटा देता है ऑडियो से जिन्हें हम सुन नहीं सकते। और दोस्तों, हर ऑडियो में एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे एक पार्ट इतना ज़्यादा लाउड होता है कि बाकी पार्ट को हम सुन ही नहीं पाते हैं उस एक पार्ट के लाउडनेस के कारण। और दोस्तों, यहाँ पे वो बाकी जो ऑडियो है जिन्हें हम नहीं सुन पाते हैं उन्हें भी ये हटा देता है। एंड दोस्तों, ये इस हिसाब से वर्क करता है कि जितनी भी ऑडियो हम सुन हैं वो हमें सुनने को मिले, और जितनी ऑडियो हम नहीं सुन सकते हैं वो हमें फील भी ना हो और वहां से वो हट भी जाए। और दोस्तों, जब भी हम किसी भी ऑडियो को डाउनलोड करने जाते हैं MP3 फॉर्मेट में, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है दो ऑप्शन, जहाँ पे उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं 320 KBPS में या फिर 128 KBPS में। तो आखिर ये है क्या और इसका क्या रोल होता है हमारे ऑडियो में? तो दोस्तों, हर रॉ ऑडियो एनालॉग होता है, और ऐसे में इसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल ऑडियो में। और जब इसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल ऑडियो में, तो इसका एक एवरेज निकाला जाता है जो कि करीबन 1411 KBPS के आसपास होता है। और जब हम इसे कॉम्प्रेस करते हैं, तो ये अलग अलग कॉम्प्रेशन के साथ साथ अलग अलग साइज का बन जाता है, जहाँ पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 128 KBPS का ऑडियो, या फिर हमें देखने को मिलता है 320 KBPS का ऑडियो, और भी बहुत सारे साइज में हमें ये देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर आप चूज करते हैं 320 KBPS के ऑडियो को 128 KBPS के ऑडियो की जगह, तो डेफिनेटली आपको एक फर्क देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे यूज करते हैं किसी भी अच्छे म्यूजिक सिस्टम या फिर हेडफोन के साथ, तो शायद आप इसके बीच के डिफरेंस को फील भी कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे गजब की बात भी है, और वो ये है कि हम सभी का मानना है कि सबसे पहला MP3 प्लेयर आया था एप्पल की तरफ से 2001 में, जिसे हम आईपॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सबसे पहला MP3 प्लेयर आया था 1997 में, और दूसरा MP3 प्लेयर आया था 1999 में, और जो ये आईपॉड था वो तीसरा MP3 प्लेयर था, जहाँ पे इसमें दो ऐसी चीज़ें थी जो इसे फेमस बना दी। एंड वही दो चीज़ बाकी दोनों MP3 प्लेयर के पास नहीं थी, जिस कारण से वो दोनों MP3 प्लेयर चल नहीं पाए। और दोस्तों, वो चीजें थी यूजर इंटरफेस और स्टीव जॉब्स। और दोस्तों, ये जो इंटरफेस था वो किसी भी यूजर को हेल्प करता था सब गानों में से किसी भी एक गाने को चूज करने में। और जो स्टीव जॉब्स थे, वो यहाँ पे कंज्यूमर को ये समझा सकते थे कि आखिर उन्हें ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए और ये प्रोडक्ट उनकी कैसे मदद कर सकता है। और दोस्तों, बात करें MP3 के रिप्लेसमेंट की, तो ये जल्दी रिप्लेस्ड हो सकता है AAC के साथ, यानी कि एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग के साथ, जो काफी दिनों से एप्पल के द्वारा यूज किया जा रहा है, और ये हमारे ऑडियो फॉर्मेट का नया फ्यूचर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपके काम आए, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगी है, लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑन, और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो। और इतना कर ही रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।